नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने लिया बड़ा फैसला, अब मैट्रिक इंटर परीक्षा 2020 के सभी छात्र होंगे पास। क्यों पास होंगे मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष का यहाँ पे अचानक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक इंटर की कॉपियों का जाँच बेहतर हो, इसके लिए बोर्ड ने कार्यशाला बनाया है और साथ ही साथ शिक्षकों को प्रति कॉपी जाँच के लिए पैसे भी बढ़ाया गया है, ताकि शिक्षक कॉपी को अच्छे से जांच कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे बोर्ड परीक्षा में पास हो सके। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आप लोग आगे यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्यों पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहिए वीडियो के साथ, और यहाँ पे आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको और भी तरीका से वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते डायरेक्ट मेन मुद्दे की ओर। तो दोस्तों, आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, मैट्रिक इंटर की कॉपी के मूल्यांकन को बेहतर करने के लिए कार्यशाला यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थी ने सही उत्तर लिखा है तो पूरा अंक दे, बोर्ड अध्यक्ष का ये कहना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आगे लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, आगे यहाँ पे बताया गया है, परीक्षार्थी ने कॉपी में सही उत्तर लिखा है तो पूरा अंक दीजिए, यानी 5 अंक का सवाल है तो उसे पूरे 5 अंक दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2018 की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद कई ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं दिखी जिनमें परीक्षार्थी ने अच्छा लिखा था, लेकिन परीक्षक ने 5 अंक में 4 अंक दे दिए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें बिहार बोर्ड के अध्यक्ष नंद किशोर ने कही। ठीक है, मौका था इंटर और मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन को बेहतर करने के पर यहाँ पे आयोजन का कार्यशाला बनाया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2018 को बाद देखा जाए तो यहाँ पे 2020 में नया नियम लागू किया गया। चलिए, क्या कारण से पास किया जाएगा, आगे आप लोग इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए निर्देश क्या है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम में स्टेप वाइज मार्किंग से यहाँ पे काफ़ी छात्र यहाँ पे पास होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है मार्किंग स्कीम में स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था की गई। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टेप वाइज मार्किंग से यहाँ पे काफ़ी छात्र पास होंगे। ठीक है, कुछ भी लिखा है तो यहाँ पे पास छात्रों को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है परीक्षार्थी ने लिखा है तो कुछ न कुछ अंक जरूर दे। ठीक है, यानी परीक्षार्थी कुछ भी लिखे है तो उनको यहाँ पे फुल अंक यहाँ पे देना है। आगे यहाँ पे बताया गया है फार्मूला के साथ चित्र बनाया है और चित्र गलत है तो फार्मूले के लिए अंक दे। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे पूरी तरीका से यहाँ पे बिहार बोर्ड ने आपके यहाँ पे रिजल्ट का यहाँ पे पूरी सपोर्ट करा है कि ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे पास हो। ठीक है, आगे बताया गया परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन से काफ़ी यहाँ पे छात्रों को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉपी को जांच किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षक के लिए तोहफा की जो कि यहाँ पे राहत की बात दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है त्रुटि रहित मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को अतिरिक्त 30% का यहाँ पे प्रोत्साहन राशि यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक को क्या किया गया है कि पहले कॉपी पे यहाँ पे 1 से 1.5 रुपये मिलते थे। ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पे 2020 परीक्षा कॉपी जांच के लिए भी यहाँ पे पैसा बढ़ा दिया गया है, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट का कॉपी सही से जांच हो सके। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे पास हो सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड ने कई यहाँ पे कड़ी नियम लागू किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इस बार यहाँ पे रिजल्ट बेहतर आएगा, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन जो कि सभी छात्राओं को जानना बहुत ही जरूरी था। उम्मीद नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।